छात्र आए हैं और उनका मुद्दा यही है कि जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण जो है उसके कारण ही आज जो है फीस बढ़ रही है और उस शिक्षा के निजीकरण को रोकने के लिए और इस सरकार को सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। किस तरीके से देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या असर ला सकता है आगे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन से यही होगा कि शिक्षा जो है वो हमारी महंगी हो जाएगी। आप जो है कम से कम हेल्थ और एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम किसान का बच्चा और गरीब बच्चा भी ले सके। ये अडानी और अंबानी के जो बच्चे हैं, अडानी और अंबानी को तो ये लोन लेवा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सब्सिडी देते वक्त आज इनका रोना निकल रहा है, तो उसी के लिए आज यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया। शिक्षा के अलावा काफ़ी चीज़ों में निजीकरण बढ़ते जा रहा है, रेलवे को ले लो या किसी उसके बाद देखिए, ये जो सरकार है 60 सालों में जो ये कहते थे कांग्रेस ने क्या किया, आज इनको बस यही देखना चाहिए कि 60 सालों में जो कांग्रेस ने किया था उन्हें ये बेचने का काम कर रही है, वो काम ये कर रही है।